सर, यस आई वांटेड टू आस्क अबाउट द टेस्ट ऑन 21st. एक्चुअली आई एम हैविंग द ओलंपियाड एग्जाम इन माय स्कूल, सो आई विल नॉट बी फ्री अटिल 12. हाँ, सो यू इज कैन डू इट इट सी एनी फुल डे में आप कभी भी कर सकते हो एज पर योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, आपको सुबह बाहर जाना सर? है, काम है, मैं पेपर भेज दूंगा, उसके बाद आप जब भी सॉल्व करोगे जो टाइमिंग मैंने दिया है उतना टाइम लगा के सॉल्व करो एंड विदाउट चीटिंग। ओके, लाइक सी इट डजेंट मैटर ओके टू मी इफ यू चीट और नॉट, बिकॉज फाइनली इन द एग्जाम यू वोंट बी एबल टू चीट, राइट? तो इसीलिए इट्स बेटर यू जस्ट डू इट विद ऑनेस्टी, दैट्स इट। इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। उसका मार्क्स भी वैसे भी हम सिर्फ क्लास में जैसे लास्ट टेस्ट का डिस्कस किया था वैसे ही करने वाले हैं कि आपको कितना मिला है। वी विल सॉल्व इट इन द क्लास एंड देन ओनली डिस्कस। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन सर, 19 विल ऑल्सो बी होमवर्क। ओके, इट इज जस्ट अ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन 20, द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2000। सो योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 2000 एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 2100। ओके, सर, हाँ बोलो। इज द क्वेश्चन 19 फॉर होमवर्क और 20 फॉर यस, होमवर्क? वी आर डूइंग क्वेश्चन 20 ओवर ईयर, क्वेश्चन 19 इज फॉर होमवर्क। ओके दे हैव आस्क्ड अस अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स आपको पूछा है। दिस इज अ लिटिल बिट लॉन्ग, अ लिटिल लॉन्ग सम। ओके, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है आपको? जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर पहले फाइंड आउट करेंगे हम, कितना आता है? 100, करेक्ट? सो 100 इज वॉट परसेंट ऑफ 2000? तो 5%, फाइव एक्स, यस, एक्स इन थाउजेंड परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। सो योर एक्स इज 5%, विच इज इक्वल टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? अभी आपके पास रेट इज 5%, आपका पहला साल का इंटरेस्ट जो है वो 2000 है। आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100 करते हैं तो हमें क्या मिलता है पहले साल का, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, सर, याद है? क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, मैंने बताया आपको ये। तो यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूट करो सब, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2000। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5 × 1 इज इक्वल टू योर प्रिंसिपल। 30,000 सो प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी 40,000। वेरी गुड, समझ में आया सभी को ये? जिनको हाँ सर, यस सर, नोट डाउन करना है प्लीज नोट इट डाउन। डन सर, नॉट सर, डन नाउ यू हैव द प्रिंसिपल, ओके, यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू नीड टू फाइंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो आइदर यू यूज दैट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, अदरवाइज वील यूज दिस मेथड। आपके पास देखो पहले साल का 40,000 होने के बाद, 40,000 × 5 × 1/100 करके आपको पता है कितना आया है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, 2000। फिर सेकेंड ईयर के बाद आपको जो 42,000 × 5 × 1
अपॉन 100 करके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 2100। तो अभी नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 2100 इसमें ऐड किया जाएगा, तो थर्ड ईयर के बाद थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगा, 44100 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100। तो 2 0s 2 0s कैंसिल, 441 × 5 कितना होता है, 2205, करेक्ट। सो 2205। अब ये तीन अमाउंट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और 40,000 में वो आपको ऐड करना है, तो क्या आएगा, 6,305 6,305 प्लस 40,000 विच इज 46,000, और 46,305। दिस इज योर अमाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। आपको और एक लॉजिक बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है ना, सेकेंड साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना परसेंट इसका निकालो एंड उसमें ऐड करो। सो लेट्स से 5% ऑफ 2000, तो आएगा ये वैल्यू। अभी इसमें अगर हम 5% ऑफ 2100 करेंगे तो आपको आएगा ये वैल्यू, ठीक है? तो जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना परसेंट ऐड करो वो अमाउंट का। समझ में आ रहा है? अभी 2000 का 5% कितना होता है, 100। तो 2000 प्लस 100, 2100 आ गया, ओके? ये सारे आप लॉजिक्स एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी अभी यहाँ पर, ओके? हम क्या कर सकते थे, आपको अभी ये विदाउट ये सॉल्विंग में आपको पूरा बता दे, यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये 40,000 है प्रिंसिपल। इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करोगे, आपको 2 साल का इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, 2000 2100। अभी आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट? तो क्या करना है आपको, जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें 5% उसका ऐड करना है। फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 2100 प्लस 5% ऑफ 2100, तो ये कितना आएगा, 2205 आ रहा है, ओके? फिर ये तीन अमाउंट आप ऐड करो कंपाउंड इंटरेस्ट के, और 40,000 में ऐड कर लो। तो इतना ये वाला वर्किंग भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पूरा जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 raised to n वो यूज करो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। डन। ओके, वेरी गुड। सो कैन यू मूव वन स्लाइड अहेड? यस सर। थैंक यू। Has everyone understood this chapter? We have completed it, okay? Yes, sir. Yes, sir. Our next chapter is time and work. See, there is not much explanation in this, okay? आपको यूनिटरी मेथड याद है, पहले किया होगा Yes, sir. आपने। लेट्स से इन 4 days, 4 days में आप लेट्स से 16 16 वर्कशीट्स कंप्लीट कर रहे हो, ओके? सो इन 8 days आप कितना करोगे?
32। हाँ दैट्स इट, दिस इज योर यूनिटरी मेथड। अभी टाइम एंड वर्क में कैसा होता है कि लेट्स से ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, तो अभी पूरा जॉब आप कंसिडर करते हो, हमेशा आपका जो जॉब का वैल्यू रहेगा ना, आप जॉब को कंसिडर करोगे 1 यूनिट। ओके, इज दिस क्लियर? दिस इज अ रूल। यस सर, यहाँ यहाँ आपको कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट ये लॉजिकल एक रूल है जो हम यूज करते हैं कि जॉब आप जो भी कर रहे हो, ये जो भी आप काम कर रहे हो उसका यूनिट इज 1। अभी अगर आप 10 डेज में 1 यूनिट जॉब कर रहे हो, ओके, तो 1 डे में कितना हो जाएगा? 1/10। वेरी गुड। सो ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू फाइंड 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क ऑफ एनी पर्सन इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। इज इट क्लियर? दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर थ्रू आउट द चैप्टर। ओके, देर इज ओनली वन फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्मूला में, जो होगा टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 डेज वर्क। ओके, ये मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, ये दो फॉर्मूलाज, इसमें से एक फॉर्मूला है ये वाला विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे ये सेकेंड फॉर्मूला हमने बनाया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हैज एवरीवन अंडरस्टूड द फॉर्मूला? यस सर, यस सर, यस सर। डन। एक बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है? ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क। ये कहीं टेक्स्ट बुक या किसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इन लेट्स से सर ये टेक्स्ट बुक में दिया है या ये आपने रैंडम एग्जाम्पल दिया रैंडम है? दे रहा हूं मैं ये एग्जांपल, जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन। ओके, फिफ्टीन ओके सर। डेज इट कैन बी दैट दिस क्वेश्चन माइट बी देयर समवेयर, बट राइट नाउ आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक विथ मी। ओके सर। इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? सर 6 days। प्लीज डोंट गिव आउट रैंडम आंसर्स। ओके, अगर करेक्ट होगा तो हम एंड में चेक करेंगे, आपको अगर आंसर आ गया है आप नोटबुक में लिख दो, विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, दिस इज द क्वेश्चन। ना हाउ डू वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? सो हमेशा आपको क्या करना है, पहले दोनों का 1 डेज वर्क निकालना है। ओके, सो 1 डेज वर्क, ए का कितना हो जाएगा 1/10, एंड बी का हो जाएगा का 1/15। अभी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का 1 डेज वर्क ऐड हो जाएगा, तो 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी कितना होता है? 1/10 प्लस 1/15, व्हाट इज द एलसीएम? 30। 10 विल गो 3 टाइम्स प्लस 15 विल गो 2 टाइम्स, 5/30, 1 5/37, डेज वर्क। सो टोटल वर्क कितना होता है इसका रेसिप्रोकल? 30/5 विच इज
6 days. 6 days सर। जिसने भी आंसर दिया था, योर आंसर इज करेक्ट बट डोंट गिव आंसर डायरेक्टली. ओके, इफ यू वांट यू कैन सेंड इट इन द चैट बॉक्स और आस्क मी एट द एंड ऑफ द सम. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ आया है? यस सर, प्लीज नोट यस इट सर। डाउन. सर वो हेलो. एडमिट रेसिप्रोकल। बिकॉज यहाँ फॉर्मूला दिया है ना मैंने, रेसिप्रोकल मतलब ये देखो यहाँ पर जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, 1/5/30 हो जाएगा. दिस इज 1 डेज वर्क, सो टोटल वर्क इज इक्वल टू व्हाट, 1/1 डेज वर्क. तो 1/5/30, तो 30 विल डायरेक्टली गो इन द न्यूमरेटर ओनली, राइट? या ओके फाइव. सो ओके नो सर, नीड टू थैंक यू। ऑलवेज राइट दिस वे, जस्ट टेक रेसिप्रोकल. सर अभी देखो इसमें यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? यस सर। अभी वर्कशीट हम मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है, नो नीड टू चेक इट. वील डू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, सॉरी 4 आवर्स, नॉट डेज. बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आवर्स. While A and C can do it in 2 hours, so A plus C is equal to 2 hours. How long will B alone take to do it? So B अकेले कितने देर में करेगा? अभी A का 4 hours का टोटल वर्क है, तो 1 hour वर्क इज हाउ मच? A इज इक्वल टू 4 hours, सो 1 hour वर्क विल बी हाउ मच? 1/4। 1/4. सो 1/A + 1/C इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज ए प्लस सी का टोटल इज 2 आवर्स, सो इनका 1 आवर वर्क इज, यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ यस लो प्लीज, बाद में आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया पूरा चैप्टर तो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर से करना. 1 आवर्स वर्क समझ में आ गया? 1/2 है. अभी 1/A का सर। वैल्यू है हमारे पास, सो वी कैन फाइंड आउट 1/C. सो 1/4 + 1/C इज इक्वल टू 1/2.
सो 1/c कितना हो जाएगा? बाय टू माइनस वन अपॉन माइनस कैसे आएगा? हाफ में से 1/4 माइनस करना है, तो हाफ इज ग्रेटर देन 1/4। 1/2 माइनस 1/2। आई हैव आस्ट यू 1/c का वैल्यू कितना है। फ्रैक्शंस आता है आपको स्टूडेंट्स? 1/4 सर 1/4 सर 1/4, 1/4 सर दैट्स वन बाय इट। फोर हाँ, तो सी का 1 आवर्स वर्क इज 1/4, सो टोटल वर्क विल, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम फॉर सी 4 आवर्स। फोर दिस क्लियर? अभी सी का 1 आवर्स वर्क इज, वी हैव 1/4। अभी बी एंड सी का 1 आवर्स वर्क कितना है? थ्री 1 आवर्स वर्क आई एम आस्किंग। टोटल इज थ्री थ्री, वन वन बाय थ्री वन बाय बाई थ्री थ्री सो यू हैव 1/c प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/3। सो 1/b इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। सो व्हाट विल बी द आंसर इन फ्रैक्शंस, टेल मी। 1/12 1/12 वन बाई ट्वेल्व सो बी का 1 आवर्स वर्क इज 1/12। टोटल टाइम 12 hours समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है? यस सर सर कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड डन नेक्स्ट स्लाइड पे एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। पहले ये नोट डाउन कर लो सब लोग। बी विल टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन, दैट्स इट। सर आर वी सॉल्विंग बोथ सम्स आफ्टर दिस जस्ट लेट मी चेक। चलो वील डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन स्टॉप। ओके, लास्ट सम फॉर टुडे। So can you just show the previous slide? Those are the one sentence one. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अ सर्टन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। सो वी डोंट नो हाउ मेनी मेन्स आर देयर। दे हैव सेड इफ 15 मेन्स आर लेस, 15 नंबर ऑफ मेन आर लेस, सो एक्स माइनस 15, द वर्क विल टेक 36 मोर डेज टू बी कंप्लीटेड। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा? 96 96 96 डेज। ओके, टोटल वर्क इज सेम, यस और नो?
यस सर, वर्क तो जो 1 यूनिट ही कर रहे हैं ना दोनों वर्क, तो दैट मीन्स 60 यस सर, इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू 96। सो बस इक्वेट करना है, 60x इज इक्वल टू 96x माइनस 15 इंटू 96। सो 15 इंटू 96 इज इक्वल टू 36x। ओके, सो व्हाट विल गेट, 15 इंटू 96 अपॉन 36 इज इक्वल टू x। सो 6 इंटू 6, 6 इंटू 16, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 2 इंटू 1, 2 इंटू 8। तो नंबर ऑफ मैन इज हाउ मच, 40। सो एट द बिगनिंग हाउ मेनी मैन वर देयर, 40 पीपल और 40 मैन। 40 मैन। अंडरस्टूड? यस सर, यस ओके, सर, आई हैव सेंड द वर्कशीट। ओके, एक काम करो, ये चैप्टर के लिए जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक सम्स। ओके, दे आर प्रिटी इजी कंपेयर टू द वर्कशीट वन, सो प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक सम्स। नेक्स्ट वीक वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके, एंड स्टार्ट विद द न्यू वन। ओके। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आई हैव सम डाउट्स इन द टेक्स्ट बुक सम, सो कैन आई वेट? विच चैप्टर? सर, एवरेज, स्क्वायर रूट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, टुडे आई एम अलाउिंग यू, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लिसन, व्हाट यू नीड टू डू इज वेट, अदर्स दोज हू डोंट हैव एनी डाउट्स कैन लीव द क्लास। ओके, बाय एवरीवन। ओके बाय सर, बाय सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। जिनको भी डाउट्स है नेक्स्ट टाइम से पहले ग्रुप पे भेजो आप, सो दैट आई एम रेडी विद द सोल्यूशन एंड देन आई हेल्प यू आउट ओवर हियर। नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, जिसको भी है। हु हैज डाउट्स इन ऑल द थ्री चैप्टर्स जो बोला है, एवरेज, स्क्वायर एंड? सर मी आरुष, हाँ बोलो, एवरेज में क्या डाउट है? सर इन एवरेज 26 क्वेश्चन, क्या द टोटल ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ऑफ दीज थ्री नंबर्स? तो देर आर थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, सो लेट द नंबर्स बी एक्स, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर। वाई देर इज अ डिफरेंस ऑफ टू, बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, करेक्ट? यस सर, अभी इसका क्या दिया है, सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 36 प्लस एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, करेक्ट? यस सर, अभी जब तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो एवरेज क्या आता है, मैंने आपको ये एवरेज चैप्टर में सिखाया, द मिडिल टर्म विल ऑलवेज बी द एवरेज। ओके, अगर यस सर, कैसे है फाइंड आउट करना है तो देखो, तीनों को ऐड करो, एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर कितना होता है, थ्री थ्री एक्स एक्स प्लस सिक्स 3x+6 अपॉन एवरेज क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो क्या आएगा एवरेज, एक्स प्लस टू विच इज द मिडिल टर्म। ओके, सो सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 3x+6 विच इज इक्वल टू 36+x+2। तो x+2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x+4 इज इक्वल टू 36, सो 2x इज इक्वल टू 32, एक्स इज इक्वल टू 16। सो योर फर्स्ट टर्म इज 16, द नेक्स्ट नंबर इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, सो द मिडल वन इज। सर दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द मिडल नंबर, हाँ तो किया ना फाइंड, देखो ना आंसर लिखा है। सर बट बिहाइंड द आंसर इज 16, इवन आई वाज गेटिंग 18। सो देर मस्ट बी मतलब कुछ टाइपिंग एरर या आंसर की में एरर रहेगा, बट आंसर 18 ही है। अगर आपको भी 18 है तो वेरी गुड। ओके सर, सर एंड इन स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोल। 13 सम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ
अपॉन 8 इज इक्वल टू 128। एट इज इनसाइड द स्क्वायर रूट और आउटसाइड? सर आउटसाइड डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 128। वी हैव टू फाइंड एक्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, मतलब एक्स आया तो एक्स अपॉन एट इज इक्वल टू 128। सो एक्स इज इक्वल टू 128 इंटू 8। अभी इसका ब्रेक डाउन करो आप तो, या जो भी आंसर इसका डायरेक्टली आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है ब्रेक डाउन करने की। इसको सर इट्स मल्टीप्लाई, 1024 राइट। जस्ट मल्टीप्लाई, इवन आई डोंट नो द टोटल। 128 इंटू 8 या 1024। ओके सर। इसमें भी आंसर सर गलत दिया है क्या पीछे? यस सर। ओके ओके ठीक है, आई'ल गो सर टू। एंड वन हाँ डाउट। हाँ बोलो। 16 रेज टू स्टार इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द नंबर इन प्लेस ऑफ द स्टार। ऑप्शंस क्या क्या है? सर 3, 8, 4 एंड 9। अभी ये पहले 16 को क्या लिखते हैं? 2 रेज टू 4 रेज टू यस स्टार, मतलब क्या आएगा? 2 रेज टू 4 स्टार हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, करेक्ट? यस सर। बट यहाँ तो चारों ऑप्शन से आएगा आंसर, बिकॉज टू, अगर पहला ऑप्शन कंसिडर किया हमने तो 2 रेज टू 12, सेकेंड ऑप्शन 2 रेज टू 32, उसके बाद 2 रेज टू 16 एंड उसके बाद 2 रेज टू 36। ये तो चारों सर सो स्क्वायर, ऑर्डर अप्रोप्रिएट। आई थिंक ऑल शुड बी द आंसर, बट ऐसा गलत होगा। या तो फिर एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी वन ऑफ द ऑप्शन, बिकॉज 2 रेज टू 12 मतलब 2 विल बी मल्टीप्लाइड 12 टाइम्स, तो 6 पेयर्स हो जाएगा, करेक्ट? सर बिहाइंड 9 इज द आंसर। दिस इज इन द टेक्स्ट बुक, राइट? व्हाट क्वेश्चन नंबर इज दिस? जस्ट सेंड मी अ फोटो ऑन पर्सनल चैट, ओके? आई विल चेक एंड गेट ओके बैक। सर। सर इन प्रॉफिट एंड लॉस आई हैव टू डाउट्स। बोलो। सर इन प्रीवियस क्वेश्चन यू रोट 16 दैट स्टार वाज एट पावर बट इन एक्चुअली इट इज 16 एंड इट इज नॉट टू पावर। तो 16 के आगे मतलब मतलब 16 नहीं समझे यस मैं। सर 16 इन द बुक इट इज टू द स्टार इज एंड द पावर। तो इट्स नॉट एट द पावर। मैंने भी पावर ही लिखा है ना। डू वन सर बट थिंग, पावर का तो सभी गलत होंगे। शायद वो नीचे एक की जगह गलती से पावर में हो गया होगा। ओके, हो सकता है, करेक्ट? हाँ हो सकता है, यस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, आई थिंक इट शुड बी 16 स्टार एंड नॉट 16 रेज टू स्टार। तो 16 और स्टार हो जाएगा, तो आप इन तीनों से, चार नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 इंटू 3 मिलेगा, विच इज 48, देन 16 इंटू 8, बट 16 इंटू 4 इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, 64 आएगा। 16 इंटू 8 विल बी 128 एंड 16 इंटू 9 इज 144, सो स्टिल यू गेट 2 स्क्वायर नंबर्स। बट यस, दैट कैन बी द क्वेश्चन, ओके, वेयर वी आर गेटिंग 2 आंसर्स। बट ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मुझे आप भेज दो फोटो। ओके सर। हाँ नेक्स्ट डाउट पूछ लो, क्योंकि 7 मिनट, 6, 5 मिनट ही बचे अभी। सर एट प्रॉफिट एंड लॉस एट व्हाट परसेंटेज अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग अ कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो, लेट्स से 100 इज द कॉस्ट प्राइस, वी नीड टू फाइंड मार्क्ड प्राइस विच इज एक्स, एंड योर सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? 133, करेक्ट? क्योंकि यस सर। 33% प्रॉफिट है। अभी एक्स माइनस 5%
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 133, तो क्या आएगा, एक्स माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 133, तो क्या आता है 95x अपॉन 100 इज इक्वल टू 133, सो योर एक्स इज इक्वल टू 133 इंटू 100 अपॉन 95। ऑप्शंस क्या दिए? सर ऑप्शंस आर 48%, 43%, 40% एंड 38%। एक्स कम्स आउट टू बी 140। अभी 100 से 140 जा रहे, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? हाँ सर 40%। करेक्ट। ओके सर। सर एंड 14th क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट गेव 15% गेन। इफ द प्राइस वॉज 24 मोर देन द गेन वुड हैव बीन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। गेन वुड बी 20% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? सर आई रिपीट अगेन, एन सेलिंग प्राइस आर्टिकल प्लस वॉज नहीं, सोल्ड 24 है ना, 24 है ना यहाँ पर। हाँ इफ द प्राइस वॉज 24 मोर देन द गेन देन द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 20%। हाँ ओके। सो इफ दिस इज द सेलिंग प्राइस, 15% प्रॉफिट हुआ है, ओके, सो एक्स इज द कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस इज एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स, ओके, एंड अगर हम इसमें और 24 ऐड कर दें, सो एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स प्लस 24, तो जो भी प्राइस बनेगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, ओके, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट आपको 20% मिलेगा। समझ में आया? तो अभी आप लिखो 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स, करेक्ट, सो एक्स एंड एक्स कैंसिल, 20% ऑफ एक्स इज 20x अपॉन 100 माइनस 15x अपॉन 100, करेक्ट, 15% ऑफ एक्स इज 15x अपॉन 100 एंड दिस इज 20, दिस इज इक्वल टू 5x अपॉन 100 विच इज 24, सो व्हाट इज एक्स? टेल मी एक्स कितना आएगा? 480 480 आएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। है क्या 480 ऑप्शन? यस सर। हाँ दैट इज योर आंसर। सर एंड वन लास्ट डाउट इन एचसीएफ एंड एलसीएम। 9th क्वेश्चन, 7 मिनट। प्लीज बी क्विक, 1 मिनट है, उसके बाद फिर से रीजॉइन नहीं हो पाएगा द मीटिंग। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 320, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 10240। फाइंड द लार्जर नंबर ऑफ द टू टू। 4 0। ऑप्शंस क्या दिए हैं? 640, 192, 160 एंड 96। अभी पहले चेक करो 1, 3, 20 कौन से नंबर से डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है क्या? नहीं यस है। कैसे सर। डिविजिबल है? हाफ में आएगा ना, तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके सर। अगर ये यस सर नंबर है तो रिपीट। इसका एलसीएम इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। 192 से भी डिविजिबल नहीं है। 96 से डिविजिबल है क्या? चेक करो। नहीं है। हो गया, एक ही आंसर है आपका, 160। ओके सर। थैंक यू सर। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, ये नंबर से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो अगर एक ही नंबर से डिविजिबल है 160, तो दैट्स इट। ओके सर। सर थैंक यू सर। यस, बाय सर। बाय एवरीवन।